नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर एक नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। दोस्तों मुझे भी अब बहुत अच्छा लगने लगा है आप लोगों से बात करके, आप लोगों के बीच न्यूज़ साझा करके, क्योंकि अब मुझे जो है बिना न्यूज़ दिए हुए आप लोगों के लिए अच्छा ही नहीं लगता है। जब तक एक न्यूज़ नहीं बना लूँ, जब तक एक वीडियो BSNL के लिए नहीं बना लूँ, तब तक मानो ऐसा कि नींद ही नहीं आ रहा है। दोस्तों आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों आपसे अनुरोध है इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ की। तो चलिए दोस्तों, CSQ ने पहले ही GMTD लुधियाना पंजाब सर्किल द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ 8/12/2021 को काला बिल्ला पहन कर प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है। इस यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2 महिला कर्मचारियों ने शिकायत की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 महिला कर्मचारियों ने इसके खिलाफ शिकायत की है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह से अभद्रतापूर्ण व्यवहार हो रहा है। GMTD लुधियाना ISCC को चुनने की कोशिश कर रहा है उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामले को सुलझाने की के लिए BSNLE द्वारा किए गए प्रयास विफल रहे हैं। अतः CHQ सर्कल और जिला सचिवों से दिनांक 8/12/2021 को काला बिल्ला पहनकर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए गंभीर कदम उठाने का आह्वान करता है। अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं संविदा कर्मियों को जुटाने का प्रयास किया जाए। सर्किल सचिवों को उस दिन CGM को एक ज्ञापन सौंपना चाहिए। जमा किए जाने वाले ज्ञापन की एक प्रति सर्किल सचिवों को WhatsApp पर पहले ही भेजी जा चुकी है। दोस्तों देश का ये दुर्भाग्य है, हर जगह महिला कर्मचारियों की महिलाओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो रहा है। इस तरह से देश की छवि एक तरह से गिरती जा रही है। अब ये आम महिलाओं के साथ होते होते अब BSNL एम्प्लॉय की जो महिलाएं हैं उनके साथ होने लगी है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। दोस्तों आप जहां भी हैं अपने प्रति सचेत रहें और महिलाओं के प्रति यदि कहीं भी किसी भी जगह अभद्रता हो रहा है तो आप ध्यान दें कि उस जगह ऐसा नहीं हो। तो दोस्तों ये न्यूज़ यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मुझे एक एनर्जी मिलती रहे और आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी न्यूज़ यूं ही हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नई जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम दोस्तों।